चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर तो काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कल हो जाएगा। सभी 90 सीटों पर नतीजों का ऐलान होगा कल। नतीजों से पहले चुनाव आयोग की जो तैयारी है वो भी पूरी हो चुकी है। सभी उम्मीदवार बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। नतीजों से पहले उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन तेज हुई। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरीके की तैयारी इस वक्त चल रही है, और साथ ही हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे जो स्ट्रांग रूम है उनकी सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। ईवीएम मशीनें जहां पर मौजूद हैं वहां पर सुरक्षा को पुख्ता कर लिया गया है। काउंटिंग को लेकर काउंटडाउन क्योंकि शुरू हो चुका है कुछ ही घंटे, और हरियाणा न्यूज लगातार आपको बता भी रहा है कि कल कैसे सबसे सटीक सबसे तेज नतीजे हम आपको सुबह 6 बजे से ही दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज का दिन बहुत अहम है, आज की रात बहुत अहम है। आज सभी उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। महज 13 घंटे 18 मिनट रह गए हैं कल नतीजे आने के लिए, और उसके बाद तय हो जाएगा कि ईवीएम में जिसकी किस्मत कल कैद हुई थी उसमें किसकी किस्मत चमकी, किसका सितारा बुलंद रहा और किसका नहीं रहा। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान कल, और नतीजों के साथ ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसको मिला है और किसको जनता ने नकार दिया है सीधे तौर पर वो भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सभी उम्मीदवार जो हैं वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, सभी ने जी जान से मेहनत की है, लगातार पिछले कुछ महीनों से जुटे हुए थे सब, एड़ी चोटी की कोशिश में लगे हुए थे कि जनता का प्यार जनता का स्नेह उनको मिल जाए। लेकिन जनता जनार्दन चुनती किसको है ये तो कल स्पष्ट हो पाएगा, कल पता चल जाएगा। इससे पहले आज का दिन भी बहुत अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है आज सभी जो उम्मीदवार हैं वो बेचैन हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कल के दिन का कि कल रिजल्ट आता क्या है।